सामने फ्रेंड्स, आज जो हम पैक बनाने जा रहे हैं वो हमारे आज जो हमारी वीकली स्किन केयर रूटीन है उसके लिए बहुत ही अमेजिंग सा है। इसके लिए आपके स्किन को जो है क्लेंस करेगा और स्क्रब भी करेगा, इसके साथ साथ जो आपके जो पोर्स हैं उसको मिनिमाइज करेगा, आपकी रीटेनिंग को दूर करेगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या लिया, चावलों का आटा मैंने तकरीबन 2 चम्मच से ज़्यादा ही लिया क्योंकि मैंने इसे अपने फेस, नेक और हाथ और पाँव पर भी लगाना था। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया। बेसन ऐड करने के बाद इसमें मैं जो हूँ सईद गनी वालों का जो है ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ये ऑयल यूज़ किया। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखे और एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से ये फेस पे जो है वो हमारे जो एक्ने वगैरह उसको भी कंट्रोल करेगा। सेकंड नंबर पे मैं इसमें सईद गनी वालों का नीम ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसकी को भी मैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर इसमें ऐड कर रही हूँ। नीम की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये आपकी स्किन से इची स्किन को नहीं होने देता, ड्राइनेस को ख़त्म करता, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपकी स्किन को इवन टोन करने के लिए बहुत अच्छा है, एक्ने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपने इस पैक को जो है वो आप 2-3 तरीकों से बना सकते हैं। अब आपने अगर इसको पैक बनाना हो तो मैं यहाँ पर मिल्क यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसको दही के साथ बना सकते हैं, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसको उसके साथ रोज़ वाटर के साथ इसको आप बना सकते हैं। इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने जब ये पैक अच्छे से थिक फॉर्म में बना लेना है तो इसको आप चाहे तो एज इट इज़ इसी तरह लगा के इसको मसाज करके उतार दें, या फिर आप इसको जैसे कि मैं यहाँ पे टमाटर की मदद से इसको लगा रही हूँ, आप इसी तरह इसको टमाटर की हेल्प से भी अपने फेस पे इसका लगाने के बाद मसाज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये टमाटर की प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को पता है, ग्लास स्किन वालों के लिए आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि स्किन ग्लास हो जाएगी आप लोगों की, मतलब बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएगी, एक्ने को रिमूव करेगा, खुद आपके फेस पे ग्लो लाएगा, तो ये इसलिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन जिसको सूट करता हो टमाटर वो ही ये इस तरह का यूज़ करें, वरना आप इसको एज इट इज़ लगा के भी इसके बहुत सारे बेनिफिट जो है वो आप इससे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको अपने हैंड्स पे लगा के दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसे 2-3 मिनट से जो है मैं अपने हाथ पे ड्राई होने दूंगी, फिर हम हल्के हाथ से मसाज करके इसको उतार सकते हैं। जब ये पैक ड्राई हो जाएगा तो आप हल्के हाथ से मसाज करके इसको रिमूव कर लेंगे। मैं इसको वॉश करने के बाद आपको अपना रिजल्ट दिखाती हूँ कि मेरे हाथ किस तरह के लगे हैं। वॉश करने के बाद मेरे हाथ पे जो आपको वो ग्लो नज़र आ रहा होगा, डेड स्किन सारी रिमूव हो गई है, नकल्स आपको उस तरह मेरे साफ नज़र आ रहे होंगे। ये फेस पैक जो आपकी जो वीकली स्किन के रूटीन है इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे आपकी एक्ने भी ख़त्म होगी, आपकी स्किन पे डेड स्किन भी खत्म हो जाएगी, आपकी डिटेनिंग भी नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये पैक भी आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।